बैग नहीं उठा पा रहा है। करण सेटिंग बिगड़ जाएगी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। मेरे दो भाई, ये वाला भाई और ये वाला भाई, ये दोनों पैदल यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की। मे गॉड ब्लेस देम एंड वी आल्सो वांट। अरे जीजस कहाँ से ले आया? भोलेनाथ लाने। मे गॉड कहाँ से? भोलेनाथ हरा शंभु। ठीक है, हरा शंभु इनको बहुत ज़्यादा शक्ति दे। कितने बज रहा है? टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 3:30 और हम चाहते हैं कि तुम अपनी पूरी यात्रा सक्सेसफुल रहो, काबिल हो के आना वापस। कितने दिन में कंप्लीट करनी है तुमने यात्रा? 14 दिन में भाभी भाग के दर्शन चाहिए तुम्हारे को। 25 को दर्शन चाहिए। ये हमारे भाई हैं, जो ये दो भाई, ये पहले दिन जब कपट खुलेंगे वहाँ पे पहले बंदे होंगे जहाँ पे दर्शन करेंगे। पहले दिन तो कपट खुलेंगे, जो भी कपाट, सॉरी कपट तो तेरे मन के अंदर है साले, मन के अंदर है तेरे कपट। चल कपट गाइस। ये करण भाई जो गोवा वाली वीडियो में थे, और ये आकाश भाई जो मोस्टली हर वीडियो में होते हैं, सबसे पहले हम ही हैं। और ये भाई, ये ओम भाई, ये नई वीडियो में आने वाली है। नई वीडियो तो इतनी सारी वीडियो बनेंगे तो इसके साथ यात्रा तो ये सारी वीडियो में आएगा। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम पहुंच चुके हैं अभी अपने रास्ते में, घर के पास में ही है। भाई ने वीडियो चालू करी थी लेकिन मैंने कहा अपना बाद में ही दिखाएंगे। ये देखो भाई, ये डाल लिया हाथ में क्योंकि बैग मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था और मैं यूं झुक के चल रहा था और थोड़ा स्ट्रेट तो चल पा रहा हूँ। हाथ में रख लिया, अभी रास्ते में कहीं इस मॉर्निंग में दिल्ली पार करने से पहले एक लेंगे छड़ी, छड़ी डालेंगे इसके अंदर और छड़ी पकड़ के चलते रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा भी काम आ जाएगी छड़ी। ठीक है गाइस, अगर आप लोग नए बंदे देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस हम पहुंचने वाले धौला कुआ और ये चद्दर निकाल ली ताकि कंधे कंधों में दर्द ना हो, इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है हमारी क्योंकि वेट है हमारे पास, इसलिए बाकी हो जाएगा कर देंगे। महादेव का नाम देके पार लगा देंगे, हर हर महादेव। गाइस निकलते निकलते हम पहुंच गया पुरानी दिल्ली की तरफ, जामा मस्जिद की तरफ। भाई तो इतनी हालत डाउन हो चुकी थी कि हमने बैग कम कर चुके हैं। हालत डाउन हो गई थी भाई, ऐसा लग रहा दिल्ली पार नहीं कर पाएंगे, और दिल्ली पार करनी है आज में। ये गाइस दिखाता हूँ जामा मस्जिद कहाँ है, पीछे ही है मेरे, ये जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद और खाली पड़ा आज रोड, ये जाम इतना तगड़ा जाम लगता है। गाइस छतरी भी खोल ली हमने, गर्मी बहुत है यहाँ दिल्ली में यार, बहुत गर्मी हो गई है। ठीक है निकल के दिल्ली से निकलेंगे, बताते फिर आप लोगों को, अपडेट देते हैं नया नया कुछ अपडेट। गाइस चलते चलते फिर हम पहुँच गए हैं लाल किला। लाल किले में हमेशा जाम वाम पूरा भरा रहता है, हमेशा जाम भरा रहता है। ये देखिए तेरा लाल किला, ये चांदनी चौक, ये चांदनी चौक पूरा ये भरा हुआ है, ये लाल किला देखो। अरे हम ये देख लो चल रहे हैं यार, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी हो रही है, गला सूख रहा है बहुत। तो गाइस हम पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए भाई? यमुना जी, दिल्ली के यही यमुना जी, ये फ्लाईओवर थोड़ा पीछे आई एस बिटी हमारे भाइयों, गर्मी बहुत है। मैं कह रहा भाइयों गर्मी बहुत है, बस बहुत शुरू कर सकते हैं, लेके आए पर उठ नहीं पा रहे चल लेंगे। हाँ ये गाइस अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को। तो गाइस गंगा जी मतलब सॉरी यमुना जी के किनारे भी रुके हम, ये पुलिस चौकी है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी बैठ के यहाँ पे अपने सामान वहाँ रखा है। अब यहाँ पर बैठ के थोड़ा भोजन करेंगे कि लग रही है भूख कुछ
नहीं खा रखा सुबह से, और एक ब्रेड पकड़ा चाय खाई थी अपने दोनों पास में, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। बस अब यहाँ पे खाएंगे थोड़ा भोजन, ठीक है, आधे घंटा रेस्ट, उसके बाद चलते हैं। ये गाइस चलते चलते यहाँ सीलमपुर के यहाँ पहुँच चुके हैं हम। ये भोलेनाथ का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो सीलमपुर पहुँच गए। गाइस धूप बहुत हो रही है यहाँ पे, धूप बहुत तेज हो रही है, छाते भी चल रहे हैं। तो गाइस दिल्ली अभी क्रॉस कर रहा है, अब क्रॉस कर रहा है, क्योंकि सुबह से यार थोड़ा थक गए थे, बैग बड़ा भारी, स्पीड नहीं बन पा रही थी, टाइम लगता है थोड़ा स्पीड बनने में यार। बस अभी यूपी में एंट्री करी है, यूपी में भी एंट्री करी है। जो फ्लाईओवर है ना, ये वाला फ्लाईओवर दिल्ली से आ रहा है, और ये यूपी में एंट्री करता है, दिलशाद गार्डन से सीधा ये एंट्री कर रहा है। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे अभी, ये गाइस अपडेट पूरा रहेगा। ओके तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस वे, जो मतलब मेरठ वाला काम चल रहा ना मेट्रो का, बोलिए उस लाइन में पहुँच चुके हैं हम। ये हमारी गली है जो मेरठ वाला मतलब मेट्रो बन रहा है, मतलब यहाँ से देखिए गाइस, यहाँ से मिलेगी मेरठ की मेट्रो। ये देखिए दिल्ली में मेट्रो मेरठ, ये रोड सीधा वहीं जा रहा है, कितना ऊंचा बना है भाई, काम चल रहा है अभी भी। ये देखो बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है ये। तो गाइस चलते हैं हम आगे की तरफ। और तो गाइस हम गाजियाबाद के यहाँ पे कौन सी जगह है भाई, सेवा नगर के पे रुके थे। ये सुशांत भाई है, इन्होंने अभी सेवा करी हमारी, भाई ने दूध पिला के, क्योंकि पूरा ढाबा वगैरह सारे बंद थे, भाई लेकर आए। और भाई भाई का नाम राहुल है, ये हम यहाँ मिले हमें, ये भाई मुजफ्फरनगर के रहने वाले, वैसे मुजफ्फरनगर के रहने वाले। तो भाई जी भाई मिलते हैं, ठीक है भाई, जी भाई से मुलाकात होगी, दिल्ली कभी आएंगे दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर भाई, हर हर महादेव। कुछ बोलना चाहोगे? ओके गाइस मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस हमें परमिशन मिल गई पेट्रोल पम्प पे सोने की, ये रिलायंस का बट पेट्रोल पम्प पे भाई पढ़ने का रेस्ट करते हैं, सुबह चलेंगे। और अभी बैठे थे भाई से थोड़ी सी आगे था पेट्रोल पम्प, तो दो घंटे रेस्ट करके फिर सुबह चलते हैं आगे की आधा घंटे के लिए। तो गाइस अब तक का हम लोग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस कैंप लगा रहा हूँ उसके बाद। तो गाइस लग चुका टेंट, फटाफट जल्दी से हमने कर ली जो करना था, ऊपर वाला नहीं लगाया, फटाफट लगा दिया, और ऐसे सोएंगे, मैट वैट नहीं बिछाएंगे क्योंकि थके बड़े हैं, नींद आ रही है, दो से ढाई घंटे नींद मारेंगे, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। दिखा दो सामान कैसे बढ़ा है, ये देखियो ऐसे सामान बड़ा है, ये बंदा भी देखो ऐसे ही बड़ा है, थक गया, इसको नींद पूरी करवानी है। ये देखो सामान हमारा ऐसे ही बड़ा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है गाइस। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, मेरे को अच्छा प्यार दे रहे हैं सारे सारे भाई, मेरे को अच्छा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ाते रहो यार, प्लीज़ थोड़ा मोटिवेशन मिलती है ना, और वीडियो को लाइक भी करते रहो, ठीक है गाइस। ओके भाई, गुड नाइट।